नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज चैनल में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश से दो सेक्टर डिवाइड किया गया है, जहां से दो एमपी जाते हैं लोकसभा में अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करने के लिए। उन्हीं में से एक ईस्टर्न अरुणाचल से रिप्रेजेंट करते हैं तापिर गाव जी, जो काफ़ी बार जो ईस्टर्न नॉट ओनली अरुणाचल प्रदेश नोटिस के बारे को लेकर, बातों को लेकर, इशू को लेकर पार्लियामेंट्री में मुद्दा उठाते हैं। तो आज हम सर से बात करेंगे रिगार्डिंग जो हाइक ऑफ प्राइस हुआ है फ्यूल को लेकर कह लीजिए, या फिर एलपीजी सिलेंडर को लेकर कह लीजिए। सर से हम सीधे मिलेंगे और सर से आज हम बातें करेंगे कि सर की तरफ से कब बातें उठा, मतलब जो मुद्दा है पार्लियामेंट में उठाया जाएगा। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज चैनल में। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी बार सर हम देखते हैं इवन लाइक कि आप काफ़ी मतलब खुल के बातें करते हैं, मुद्दा उठाते हैं नोटिस के इशू को लेकर, इवन अरुणाचल के इशू को लेकर। तो इस बार सर जो हाइक हुआ है फ्यूल को लेकर, पेट्रोल का भी सर 100+ हो चुका है अरुणाचल प्रदेश में इवन, और डीजल का भी बहुत हाइक बढ़ चुका है। एलपीजी केसेस का भी सर, जो कभी 500-600 में मिलता था, अभी 1000+ हो चुका है। तो इसको लेकर सर यूएस रिप्रेजेंटेटिव कब बातें उठाने वाले हैं पार्लियामेंट में, या फिर कह लीजिए या कंसर्न मिनिस्टर को? सर देखिए, इस ये एक नेशंस का बहुत बड़ा एक इशू है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक वैज्ञानिक है इस मामले में, इकोनॉमिक इशू में। ये डीजल और पेट्रोल ये जीएसटी से बाहर है, तो इसमें क्या होता है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेट है आप 60 रुपीस 70 रुपीस है, तो फिर हर स्टेट टैक्स इधर डाल दे, फिर इंक्लूड कर जाता है, किया जाता है, तो इसलिए ये 100+ हो जाता है। सबसे लोएस्ट शायद अरुणाचल प्रदेश होगा, ये बहुत कम 12% है। वहाँ बॉम्बे, महाराष्ट्र में हो, दिल्ली में हो, जो मेजर स्टेट में 40% आप ऑलमोस्ट 45% टैक्स लगा देता है, तो सेंट्रल टैक्स जो है बहुत कम है, लेकिन स्टेट टैक्स जब एथ होता है तो ये 100+ हो जाता है। तो हो सकता है ये कोरोना महामारी में इकोनॉमी जो जैसे डाउन हुआ, तो इमीडिएट रिकवरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही होता है, शायद इसके लिए ये बढ़ना हुआ। फिर भी जैसे इकोनॉमिकली स्टेबल होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसीज जो स्टेबल में आ जाएंगे, शायद डीजल और पेट्रोल में भी कमी आ जाएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है मोदी साहब का नेतृत्व में कहीं ना कहीं इसका समाधान निकलेंगे। ये समाधान अभी भी हो सकता है कि अगर हर स्टेट इंडिया का ये मान जाए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है जीएसटी में इंक्लूड करना चाहिए, तो ऑटोमेटिक इसका रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन हर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, इसको लोगों को पता नहीं है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसका रेट बढ़ा देता है। बढ़ाने में थोड़ा बहुत 1-2 रुपया बढ़ता होगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट 30% 40% जब टैक्स जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेट में बढ़ा दिया जाता है, तो ये इतना पूरा हाइक हो जाता है। तो लेकिन कोरोना काल में जो भी इकोनॉमी इनस्टेबिलिटी हुआ, इसका वजह से ये हुआ होगा, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी आ जाएंगे, इसका पेट्रोलियम प्रोडक्ट में भी कम आएंगे, ये मैं विश्वास रखता हूँ। और जब पार्लियामेंट सेशन आएंगे, तो आप विंटर सेशन में सुनाया जाएगा कि किस कारण से ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हाइक हुआ, लोगों को तकलीफ महसूस हो रहा है, लेकिन इसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट इन रिटर्न हमको जो जैसे मिल रहा है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो, जैसे कोरोना का वैक्सीन 100 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों को फ्री वैक्सीन, जिसका कॉस्टिंग 1400 है पर वैक्सीन, हर हिंदुस्तानी को जो वैक्सीन दे रहा है, यहाँ तो ज़रूर इसका हम बेनिफिट मिल रहा है। हमको जीवन दान देने के लिए वैक्सीन में 1400 पर वैक्सीन फ्री में मोदी दे रहा है, लेकिन 1-2 रुपया में हमको बर्दाश्त करना पड़ेगा कि जब स्टेबिलिटी होगा
ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी कम हो जाएंगे। यही तीनों, डीजल हो, पेट्रोल हो, एलपीजी हो, ये पेट्रोलियम एक प्रोडक्ट है, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन अगर कम कर देंगे ये ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएंगे। इसको कम करने के लिए जैसे मोदी साहब ने, निर्मला सीतारमण ने रिक्वेस्ट किया था कि इसको हम जीएसटी में डालेंगे, तो बाकी प्रदेशों ने नहीं माना, बीजेपी सरकार, बीजेपी रूल स्टेट को सर के बाकी सब ने तो नहीं माना। तो इसमें जब तक मेजोरिटी 2/3 नहीं होगा तो कोई भी आइटम को जीएसटी में नहीं डाल सकता। तो इसलिए ये अभी जो हाइक हो रहा है ये केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाइक नहीं है, ये हर स्टेट का टैक्स एक्स्ट्रा इंक्लूजन्स के लिए, ये कलेक्शंस के लिए ये हाइक होता है। सर 2014 को नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट इंडिया में शुरू हुआ था कह सकते हैं, सर का कहना था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। सर 2014 से अभी तक अच्छे दिन देखने के लोग तरस गए, स्पेशली अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, जहां हमको सर जैसे मैंने पहले भी कहा कि एलपीजी के 400 या 500 में मिल जाता था, तेल 60 या 70 में मिल जाता था, अच्छे दिन आने के बजाय सर अभी यहां पे हाइक बढ़ते जा रहा है, यहां पे अभी लोग इस तरह के सिचुएशन में पहुँच चुका है कि कब वो धरना में निकले, और स्पेशली आप और किरण जी को बात करें, आप कब मुद्दा उठाएंगे आपके तरफ से, क्योंकि यहाँ के जो सरकार है स्टेट लेवल उनका कहना है कि जो हाइक हो रहा है कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसे देख रही है, तो उसको लेकर सर आप क्या कहना है, अच्छे दिन कब आएंगे सर? नहीं नहीं, अच्छे दिन जरूर आएंगे, अभी भी अच्छे दिन आ चुका है। इतना कोरोना का महामारी में मोदी जी ने जैसे ऑक्सीजन प्लांट हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पीएम केयर से कंस्ट्रक्ट ऑलरेडी अभी फंक्शनिंग शुरू हो गया जी। हर दिन जो अरुणाचल प्रदेश में जो सबको वैक्सीन दे रहा है, दिल्ली से भिजवा रहा है, हर प्रदेश में ये दे रहा है, ये भी तो एक अच्छा दिन है, क्योंकि आपका इतना माने सारा दुनिया कफा था, उसमें मोदी साहब ने ही वैक्सीन नेटिव में साइंटिस्ट ने इसका वैक्सीन बनाया, ये भी तो एक अच्छा दिन है। तो इस अच्छा दिन को भी हमको महसूस होना पड़ेगा कि ये भी एक अच्छा दिन है। केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हाइक हुआ, देखिए आप नेहरू से लेके आज तक कहीं ऐसा दिन नहीं हुआ जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट हाइक नहीं हुआ। तो उस ज़माने में तो 2 रुपया और 3 रुपया था, आज हो सकता है ये 100 करोड़ हुआ होगा, लेकिन ये एक इकोनॉमी बताएंगे तो ये अच्छा बताएंगे कि ये एक इकोनॉमिक प्रोसेस है जिसका वजह से देश का प्रोग्रेस, देश का प्रोग्रेस भी इसी से गिना जाता है कि हाँ इतना आपका टैक्स कलेक्शन है, जीडीपी इतना ग्रोथ है, ये भी एक है। लेकिन जहाँ मैक्सिमम डीजल पेट्रोल पेट्रोलियम प्रोडक्ट ग्रोथ है तो कहीं ना कहीं कारण तो होगा, इस कारण को नवंबर विंटर सेशन में पार्लियामेंट में सुनाया जाएगा किस कारण से ये आगे बढ़ा। तो इसलिए हम आपका माध्यम से यही कहूँगा कि इंतज़ार कीजिए, कहीं ना कहीं अच्छा दिन तो आएंगे। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।